स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, एग्जाम टाइम में हम एग्जाम प्रिपरेशन करके आपको जो इंग्लिश सब्जेक्ट के वीडियो भेज रहे हैं, तो उसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ग्रामर सेक्शन में फिलर क्वेश्चंस, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जो हैं उनकी एक्सरसाइज भेजी थी। मुझे आशा है आप सबने उसको अच्छे से लर्न कर लिया होगा, और उसी क्रम में आज मैं आपको ग्रामर के अंतर्गत डू एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा निर्देशित किया गया है वैसा करिए, उसके अंतर्गत बहुत सारी एक्सरसाइज हल करने जा रहे हैं। उसे बहुत अच्छे से आप अपनी नोटबुक में हल करें और लर्न करें। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। ये जो डू एज डायरेक्टेड वाली क्वेश्चंस आएंगे आपको, वो 5 मार्क्स के रहेंगे। 5 मार्क्स में 5 एक्सरसाइज आपको करने को रहेगा, और ईच एक्सरसाइज 1 मार्क कैरी करेगी। तो फर्स्ट है, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड। मेक अ क्वेश्चन विथ डब्ल्यू एच, यानी डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन फ्रेम करना है हमको, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, तो हो जाएगा वाई डिड हिज ब्रदर्स सेल ऑल द गोल्ड, उसके भाई ने सारा सोना क्यों बेच दिया। क्वेश्चन नंबर टू, आई नो दैट लेड नॉट मच। अब इसका हमको क्या चेंज करना है, वॉइस चेंज करना है, तो क्या होगा, दैट लेड इज नॉट मच नोन बाय मी। फिर से देखें, दैट लेट इज नॉट मच नोन बाय मी। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, ही इज माय बॉस, ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। यहाँ दो सेंटेंसेस दिए हैं और कंबाइंड टू मेक अ रिलेटिव क्लूज। रिलेटिव क्लॉज जो है वो है हु और डब्ल्यू एस वेयर, इससे स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज माय बॉस हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। ही अगेन बार बार इसमें नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ही इज माई बॉस और रिलेटिव क्लूज हम लगा देंगे हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। अब यहाँ पर टू और टू का यूज करना है, यानी हमको सो को रिप्लेस करना है टी डबल ओ टू से, और दैट को रिप्लेस करना है टी ओ टू से। तो क्या हो जाएगा, सो को रिप्लेस करके हम टू कर देंगे, ही इज टू वीक। लेकिन जब हम टू लगाएंगे तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव है इसको अलग करना पड़ेगा और सिर्फ हमको इसका काउज बताना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ही इज टू वीक टू स्टैंड, यहाँ पर एच कैपिटल आएगा, ही इज टू वीक टू स्टैंड, यानी वो खड़े होने में बहुत कमजोर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इन टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मतलब इसको हमको पास्ट टेंस की कंटिन्यूस उसमें ले जाना है, तो हो जाएगा पास्ट टेंस की जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वाज, और यहाँ पर जो क्राई वर्ब है उसमें आईएनजी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ गया। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों, ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, कंबाइन यूजिंग नो सूनर देन। मतलब जितनी जल्दी मिली नहीं उससे ज्यादा जल्दी लोग काम करने लगे। तो यहाँ पर ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, मतलब उसको जैसे ही सैलरी मिली उसने तुरंत स्पेंड करना चालू कर दिया। तो इसको हमको कंबाइन करना है नो सूनर देन का यूज करके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, यानी जितनी जल्दी ही उसने अपनी सैलरी प्राप्त की, देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, जैसे उसको मिली सैलरी वैसे ही उसने खर्चना चालू कर दिया। सेवेंथ नंबर देखो, जंबल वर्ड को मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलना है, तो राजू राइट कैन ईदर विथ हैंड्स। यहाँ पर इसका जो मीनिंगफुल सेंटेंस होगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब पोर्शन आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट पोर्शन आता है। तो हम लिखेंगे राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड्स, यानी राजू दोनों हाथों से लिख सकता है। एट्थ क्वेश्चन देखो, ही कैन प्रिपेयर टी इन अ मिनट, यानी वो मिनटों में ही चाय बना सकता है। तो चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है, तो लिखेंगे टी कुड बी प्रिपेयर्ड इन अ मिनट बाय हिम। कैसे होगा, टी कुड बी प्रिपेयर्ड इन अ मिनट बाय हिम। नाइन्थ क्वेश्चन, एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज, हिज सक्सेसर्स स्टार्टेड रोइंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। अब यहां पर एज सून एज को हमको किससे रिप्लेस करना है, नो सूनर देन से रिप्लेस करना है।
तो हम लिखेंगे नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज देन हिज सक्सेसर्स स्टार्टेड थ्रोइंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी. यानी एज सून एज को हटा के हमको क्या लगाना है, नो सूनर, और दोनों सेंटेंसेस के जो कॉमा वाला पोर्शन है वहां से हमें देन स्टार्ट करके उसका जो सब सेक्शन है उसको पूरा का पूरा लिख देना है. तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज देन हिज सक्सेसर्स स्टार्टेड रोइंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 10, दे वर प्लेइंग फुटबॉल रफली चेंज इन टू सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो बिल्कुल सिंपल में क्या होगा कि हमको मालूम है कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो क्या हो जाएगा, दे प्ले फुटबॉल रफली और इसका आई एन जी रिमूव हो जाएगा. 11, अ एप्पल एंड दे द कीप्स अवे डॉक्टर. ये सारे वर्ड है जंबल, इनको मिला करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस देना है. तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब एक एप्पल दिन में खाएं तो डॉक्टर को हम दूर रख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, ही डज हिज ड्यूटी वेल. इसको हमको नेगेटिव फॉर्म करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. तो ही डज सिंपल है, नॉट लगाएंगे और डू लिखेंगे, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल. क्वेश्चन नंबर 13, द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच. सो दैट का यूज करना है, तो क्या लिखेंगे, द फैन इज हाई सो दैट आई कैन नॉट टच. यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो सो दैट है वो डैश डैश करके है, तो ये ऐसा हो जाएगा, द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच. सो दैट के दो प्रकार के यूज होते हैं. अगर एक सो दैट कंबाइन में आएगा तो आपको ये जो नीचे वाला सेंटेंस है ये यूज करना है, और अगर सो के बाद डैश डैश लग के दैट आया है मतलब दो के बीच में उसको यूज करना रहेगा. क्वेश्चन नंबर 14, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम. अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अनलेस को यूज करना है. तो क्या करेंगे हम, इफ की जगह क्या लिख देंगे, अनलेस लिख देंगे. चूंकि अनलेस खुद अपने आप में नेगेटिव मीनिंग, तो उस वर्ड को हम फिर पॉजिटिव करके लिखेंगे, अनलेस यू डू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास दिस एग्जाम. और सेकंड वाला जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. तो फिर से क्या होगा, अनलेस यू डू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास दिस एग्जाम. 15 देखो, सीता डज नॉट सिंग शी डज नॉट डांस. ना तो वो गाना गा सकती है और वो डांस भी नहीं कर सकती है. तो इसको हमको कौन से सेंटेंस से जोड़ना है, नीदर नॉर के को यूज करके जोड़ना है. तो यहाँ पर जाएगा, सीता नीदर सिंग्स नॉर डांसेस. सीता ना तो गाना गा सकती है ना ही नृत्य कर सकती है, तो यहाँ पर नीदर नॉर का यूज करना है. 16, मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी. इसका वॉइस चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता. क्या हो जाएगा इसका, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता. 17 देखो, शी कांट अफोर्ड इट शी वॉन्ट्स टू बाय अ कार. यहाँ पर हमको नॉन फिनिट क्लॉज यूज करना है, तो हो जाएगा, शी कांट अफोर्ड इट ऑल दो शी वॉन्ट्स टू बाय अ कार. 18 क्वेश्चन, दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग. सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट. यहाँ जो ब्रैकेट में जो वर्ब दी है उसके लिए करेक्ट टेंस फॉर्म हमको देना है. तो हमको ये समझ में आया कि सिंस है मतलब ये लंबे समय से चली आने वाली प्रक्रिया है, तो यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस हम यूज करेंगे. तो दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग. परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या हो जाएगा, हैव बीन, और जो वर्ब है उसमें आई एन जी लग जाती है, तो क्या होगा, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग. 19 देखो, दे वर प्लेइंग कार्ड्स. इसका वॉइस चेंज करना है, तो क्या जाएगा, कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय देम. वी सॉ अ वेरी गुड मूवी टुगेदर, चेंज द वॉइस. इसका हो जाएगा, अ वेरी गुड मूवी वर सीन बाय अस. क्वेश्चन नंबर 21, दिस हॉर्स इज टू फास्ट टू विन द रेस. रीराइट यूजिंग सो दैट इन प्लेस ऑफ टू और टू.
यहाँ पर टू को हटा के हमको क्या यूज करना है, सो दैट यूज करना है, तो हो जाएगा दिस हॉर्स इज सो फास्ट, फिर दैट आएगा इट कैन विन द रेस, ये हॉर्स बहुत तेज दौड़ता है इसलिए हम जो रेस है वो जीत सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आई हैड अ क्वारल विथ माई फ्रेंड लास्ट नाइट, पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज करना है, आई हैड अ क्वारल्ड, यहाँ पर ईडी आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि यहाँ पर नहीं लगा है, तो आई हैड अ क्वारल्ड विथ फ्रेंड्स लास्ट नाइट। 23 का देखो, इसमें तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहला है ए आई मेड द चिल्ड्रन लाफ, द चिल्ड्रन वर लव्ड बाय मी, यहाँ वॉइस चेंज करना है, इनके अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप लोग। बी देखें, दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट, स्वीट इन टेस्ट आर दीज मैंगोज। सी देखें, हाउ मैनी पर्सन्स आर अटेंडिंग द वेबिनार, बाय हाउ मैनी पर्सन्स द वेबिनार आर बीइंग अटेंडिंग। 24, आई लिव हेयर सिंस 2015, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, आई हैव बीन आ जाएगा, यहाँ पर मैंने बताया था ना परफेक्ट कंटिन्यूस वाली, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2015। 25, दे ऑक्यूपाई ऑल द रूम्स, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, यहाँ पर हैव और ईडी लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ये हो जाएगा दे हैव ऑक्यूपाइड ऑल द रूम्स। ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, इसमें पैसिव वाइज बनाना है, तो होगा ही वॉज लव्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, हु टॉट यू फ्रेंच, चेंज इन टू पैसिव वाइज, तो यहाँ पर पैसिव वाइज में इसको चेंज करना है, तो बाय होम फ्रेंच वॉज टॉट, किसके द्वारा, है ना, तो यहाँ पे एफ आप कैपिटल कर लेना। ये वॉइस का भी वीडियो मैंने आपको ग्रामर पोर्शन में पढ़ाया है, यहाँ पर मैं पूरा समझाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप वो वॉइस का वीडियो वहां से देख सकते हैं। 28, रीअरेंज फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एंश्योर लाइफ, एक्सरसाइज लॉन्गर एंड हेल्दियर अ, यहाँ पे हो जाएगा एक्सरसाइज एंश्योर अ लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। अब 29 देखें, द होटल वॉज क्वाइट चीप, बी द होटल वॉज वेरी कंफर्टेबल, इसमें हमको क्या यूज करना है, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करना है, तो पहला हो जाएगा द होटल वॉज नॉट ओनली क्वाइट चीप बट वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, दे डिड नॉट कम टू द पार्टी, They did not apologize for it. इनके भी कंबाइन करना है सेंटेंस को neither nor की तरह। They neither did not अलग हो जाएगा। They neither come to party nor apologize for it. फिर ये बार बार they did not नहीं आएगा। 31. He saves money so that he may buy a car. अब यहाँ पर non-finite clause यूज करना है। तो he save money To buy a car, मतलब इतना ज्यादा जो इसको बढ़ाया है उसको कम करके शॉर्ट में लिखना है नॉन फिनिट क्लॉज यूज करके। 32, I failed to understand that I had done to arouse his fury. The above sentence is a, ये जो सेंटेंस दिया है ये कौन सा क्लॉज है, नॉमिनल है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। I failed to understand what I had done to arouse his fury. The above sentence is a, इसका राइट आंसर है एडवर्ब क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 33A, हु आर दे, आई डोंट नो, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अ नाउन क्लॉज, तो यहाँ पर नाउन क्लॉज यूज करके हमको इस सेंटेंस को जोड़ना है, तो हु आर दे होम आई डोंट नो, वो कौन है जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, तो यहाँ पर नाउन क्लॉज होम का यूज किया हमने। 34, द एप्पल इज टू सोर टू ईट, Rewrite using so that instead of two and two. अब यहाँ पर two और two को replace करना है so that से. तो the apple is two की जगह so आ जाएगा so sore that. अब यहाँ पर two के साथ में ये positive में रहता है, लेकिन यहाँ पर इसको negative में बदलना पड़ेगा that I can't eat. यानी apple इतना खट्टा है कि मैं उसे खा नहीं सकता हूँ. Question number 35 देखें, Reorder the below jumbled word to make a meaningful sentence.
ये जंबल वर्ड जरूर पूछे जा रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए। पहला है हर पेन पुट इंक सम शी इन, तो हो जाएगा शी पुट सम इंक इन हर पेन। सेकंड देखो नॉट मी डेयर डिसओवे ही नॉट डेयर डिसओवे मी। थर्ड देखो मिनट्स यू कुड अ फ्यू फॉर वेट प्लीज, हो जाएगा फॉर अ फ्यू मिनट्स यू कुड वेट प्लीज। नेक्स्ट देखें 36 कुड यू लेंट मी योर डिक्शनरी, करेक्ट द सेंटेंस। यहाँ पर इस सेंटेंस में कौन सा शब्द जो है वो सही नहीं है या उसको क्या करेक्शन करना, तो हम यहाँ देख रहे हैं लेंट वर्ड इसमें नहीं जम रहा, तो क्या होगा कुड यू सेंट मी योर डिक्शनरी, क्या मुझे आप अपनी डिक्शनरी भेज सकते हैं। 37 कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू अ नॉन फिनिट क्लॉज। फर्स्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आई अटेंड योर वेडिंग टुमारो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड योर वेडिंग टुमारो, मतलब बार बार फिर ये चीजें ओमिट हो जाएंगी, ये नहीं आएंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रिया लव्स कॉफी प्रिया ड्रिंक्स हॉट कॉफी, लविंग टू ड्रिंक कॉफी प्रिया ड्रिंक हॉट कॉफी, यहाँ पी कैपिटल आएगा। 38 कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फिनिट क्लॉज बिगनिंग विथ अ पार्टिसिपल आईएनजी या ईडी, यानी ये पार्टिसिपल आईएनजी या ईडी यूज करते हुए आपको ये सेंटेंस कंबाइन करना है। पहला द गर्ल वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट द गर्ल वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, तो अब यहाँ पर हमको ईडी का हमने यूज किया, यहाँ इंजर्ड को पहले लेंगे। इंजर्ड इन द एक्सीडेंट द गर्ल वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। सेकेंड देखो ही लुक्ड ओवर हिज शोल्डर ही सॉ द पुलिस चेसिंग हिम, तो यहाँ पर आई एन जी कर लेंगे, लुकिंग ओवर हिज शोल्डर ही सॉ द पुलिस चेसिंग हिम। 39 चेंज द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक करेक्ट कंडीशनल सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। पहला यूज करना ऑप्शन वर्रिच आई वुड बाय अ बंगलो इफ, इसको यूज करके हमको एक मीनिंगफुल बनाना है, तो क्या जाएगा आई वुड बाय अ बंगलो इफ आई वर रिच, मैं एक बंगला खरीदना चाहता हूँ सकता हूँ यदि मैं अमीर हो गया तो। सेकेंड यू हैड रिटन अ टैक्सी फॉर यू इफ टू मी वुड हैव अरेंज, यहाँ पर भी इसको वो जंबल वर्ड की तरह इसको हमको यूज करना है, तो क्या है आई कुड हैव अरेंज्ड अ टैक्सी फॉर यू इफ यू हैड रिटन टू मी। थर्ड देखो टू स्लीप इफ वर टायर्ड आई विल गो, इफ वी आर टायर्ड वी गो टू स्लीप। फोर्थ देखो द ट्रथ ही मेट मी इफ हिम आई वुड टेल हिम, इफ ही मेट मी आई वुड टेल हिम द ट्रथ। 40 देखो चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स इंटू नाउन्स एंड एडजेक्टिव, मतलब ये जो वर्ब दी गई है इनको नाउन फॉर्म भी देना है और एडजेक्टिव में भी बोलना है, तो कंटिन्यू का क्या हो जाएगा कंटिन्यूएशन कंटिन्यूइंग, अट्रैक्ट का क्या हो जाएगा अट्रैशन और अट्रैक्टिव अट्रैक्शन होगा बेटा यहाँ पे सी टी आई यू एन लगा लेना, रिपेल का हो जाएगा रिपल्सन रिपल्सिव, अटेंड का नाउन फॉर्म हो जाएगा अटेंडेंस और एडजेक्टिव फॉर्म अटेंडिंग, फैसिनेट का फैसिनेशन फैसिनेटिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रामेटिकल डू एज डायरेक्टेड एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट डिस्कस करेंगे।